नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज की हमारी वीडियो स्पेशल मीन राशि वाले जातकों के लिए है। 12 अप्रैल 2022 को राहु केतु राशि परिवर्तन, राहु मेष राशि में आ जाएंगे, केतु तुला राशि में आ जाएंगे, तो मीन राशि से 2-8 का आंकड़ा हो जाएगा धन भाव में राहु और आयु स्थान में केतु। साथियों, इस गोचर काल में क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या क्या उपाय आपको करने हैं, आज की वीडियो में मैं यह बताऊंगा। जो कि मीन राशि वालों के लिए राहु केतु का यह गोचर काल बहुत बढ़िया तो नहीं रहने वाला, किन किन पॉइंटों पर आपको दिक्कत होगी, सारी चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। मीन मेष आपके द्वितीय भाव में राहु रहेंगे, द्वितीय भाव में शत्रु के घर में राहु, आकस्मिक धन नाश, संचित धन का विनाश, इकट्ठा किए हुए पैसे का अचानक हाथ से निकल जाना। इसीलिए सोच समझ करके जमीन या वाहन खरीदें, बड़े खर्चे करने से पहले 10 बार दिमाग की बत्ती जलाएं, मोमबत्ती जला करके तब देखें आपको खर्च करना है कि नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा गलत टाइम है आर्थिक दृष्टिकोण से, आपका सारा का सारा इकट्ठा किया हुआ पैसा आपके हाथ से जा सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें, आपकी वाणी के कारण आपके साथ मुकदमे तक की, हवालात तक की नौबत आ सकती है। वाणी पर संपूर्ण नियंत्रण 1.5 साल आपको रखना है। कुटुंबी जनों से बना करके रखनी है, परिवार में किसी व्यक्ति ने आपको यदि कोई कटु वचन भी कह दिया उसको सहन कर लेने का यह समय है। 8वें स्थान में केतु, आयु स्थान में केतु, साथियों शुक्र के घर में बहुत नुकसान तो नहीं करेंगे, फिर भी आकस्मिक दुर्घटना और इकट्ठा किया हुआ धन इन पर आफत है। उपाय के लिए बम बटुकाए नमः मंत्र का जाप करें, जरूरतमंद को काले कंबल का दान करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। शनिवार के दिन में 12 बजे चलते पानी में सरसों का तेल बहाना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु की स्थिति नेगेटिव है तो यह गोचर फिर तो बढ़िया जाएगा ही नहीं, लेकिन पॉजिटिव भी है तो भी सावधानियां तो बरतनी पड़ेंगी। साथियों, इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वह केवल इतना है कि आप टाइम पर सचेत हो जाएं, उपाय करें और अपना बचाव करें। नमस्कार।